किचन में खाना पकाए, घर में हेल्दी टेस्टी खाना बनाए। गुड्डीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी प्रॉन्स चिली। इस रेसिपी में आपको सिर्फ ग्रेवी के ऊपर ही ध्यान रखना है। इसी ग्रेवी में आप प्रॉन्स बना सकते हैं, आप चिकन बना सकते हैं, आप पनीर बना सकते हैं या कोई भी वेजिटेबल बना सकते हैं। हम बाहर जाके बहुत खर्चा करके चाइनीज खाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से घर में बनाएंगे तो बहुत ही इजी और बहुत सस्ते में ये डिश आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए 12 प्रॉन्स लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और साफ करके रखा है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अंडे का घोल, 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, स्वाद अनुसार नमक और डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आप डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। आपको कोटिंग ज़्यादा मोटा चाहिए तो आप कॉर्नफ्लावर ज़्यादा डालिए। और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून डार्क सोया सॉस। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप प्रॉन्स के जगह में जो भी चीज़ लेंगे उसे कोटिंग करने का प्रोसेस यही रहेगा। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे 5 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। अब मैंने पैन लिया है जिसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्रॉन्स को फ्राई करेंगे। अब गैस को हम तेज कर देंगे और प्रॉन्स को 1 मिनट तक पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। प्रॉन्स को हमें हमेशा जल्दी से फ्राई करना है, नहीं तो ये चूई हो जाएगा। प्रॉन्स फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी पैन में हम 2 टेबलस्पून और ऑयल डालेंगे। आप इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून स्प्रिंग ऑनियन के निचला हिस्सा, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और 3 हरी मिर्ची बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, सब एक साथ में डाल देंगे। इस टाइम गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और सारे चीज़ों को 1-1.5 मिनट भून लेंगे। आप इसमें 1 कैप्सिकम को मैं चौकट टुकड़ों में काट के रखा था, इसे भी डाल देंगे और ये सारी चीज़ों को एक साथ में 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 मिनट हो गया है। आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और डालेंगे 1 टीस्पून टमाटो केचप। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आप इसमें डालेंगे 2 चुटकी अजीनोमोटो, स्वाद अनुसार नमक, फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। उबाल आ गया है। मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है जिसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे।
अब ग्रेवी को एक बार चला लेंगे और इसमें डाल देंगे हमारा फ्राई किया हुआ प्रॉन्स। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने जो कॉर्नफ्लावर का घोल बना के रखा था उसे डाल देंगे। ये डाला जाता है ग्रेवी को थिक करने के लिए। अब ऊपर से भी थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा था इसलिए एक चुटकी नमक मैंने मिलाया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा प्रॉन्स चिली बनके तैयार है। अब इसे प्लेट आउट कर लेंगे। बाहर जाके बहुत सारा खर्चा करके नॉन हाइजीनिक खाना खाने से बेहतर है हम घर में इस तरह से बना के हाइजीनिक खाना खाए और हेल्दी रहे। अब इसे फ्राइड राइस, हक्का नूडल्स, प्लेन नूडल्स किसी के साथ भी इसका मज़ा ले सकते हैं। तो आप भी इसे घर में बनाइए और आपको कैसा लगा मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए फ्रेंड्स हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं नई रेसिपी अपलोड करूं वो आपको तुरंत मिले। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।